Assalamualaikum everyone, मेरा नाम है शेफ समिया. वेलकम टू कुकिंग मास्टर्स झटपट रेसिपीज. आज हमारे लिए एक बहुत ही यूनिक तरीके की डिश है आपके लिए. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग इनमें से कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे. पास्कल का फ्लेवर्ड योगर्ट, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है फ्लेवर्स की. हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो है मिक्स्ड बेरीज का, साथ साथ उनके पास स्ट्रॉबेरीज भी है और पैशन फ्रूट और पीच भी है. दैट्स अमेजिंग, वहाँ पे इतनी वैरायटी है इन लोगों के पास और बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स हैं ये. चलें जी, अब हम लोग अपना शुरू करते हैं. तो पहले हम लोग ज़रा एक मिक्सिंग बोल निकालेंगे जिसके अंदर हम लोग अपनी सारी इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स करके रखेंगे. ये है हमारी पास्कल फ्लेवर्ड योगर्ट. तो इसको हम लोग ज़रा इसमें से निकाल के रख देते हैं. इसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है, इट्स रियली डिलिशियस. वहाँ पे बहुत ही फ्रूटी खुशबू है इसकी. और आखिर में इसके अंदर पिसी हुई शुगर ऐड करें ताकि उसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो मुँह में ना आए. अब इसको हम लोग सही से मिक्स करके इसको हम लोग अपने सर्विंग डिश में डाल देंगे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे. बेशक आप एक घंटे तक फ्रीज कर दें ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और उसके बाद फिर इन्जॉय. जिस तरह हम आपको चाह रहे थे, ये झटपट रेसिपी है. आप उसको ज़रूर ट्राई करिएगा और कुकिंग मास्टर्स के फेसबुक पेज पे हमें रिव्यू दिएगा. हमें आपके रिव्यूज़ मिल रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपके रिव्यू सुनने को मिलते हैं. लीव अ रिव्यू अपना और इसको ज़रूर अपने रमज़ान में खाएगा. डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही रिफ्रेशिंग भी है ये. इसको हम लोग मिक्स करेंगे जब तक ये थोड़ा स्मूथ नहीं हो जाता और इसके बाद फिर इसको सर्विंग डिशेज़ में सेट कर देंगे. ये हम लोग अपने सर्विंग ग्लासेस में सर्व करें. आप लोग बोल्स में भी सेट कर सकते हैं, ग्लासेस में भी कर सकते हैं, रैमेकिंस में कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें सर्व कर सकते हैं. और हमारी ये झटपट सी स्ट्रॉबेरी योगर्ट स्मूथ जो है वो तैयार है. और अब इसको हम लोग एक घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा. थैंक यू सो मच टू योगर्ट फ्लेवर्ड योगर्ट जो है, ज़रूर ट्राई करिएगा. मार्केट में भी बहुत ईजिली अवेलेबल है. इसका मतलब ये है कि आप हर कोई ना कोई इसको ट्राई कर सकता है. Don't forget to try. Allah Hafiz.